हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए फाइनल ईयर की बुक स्टार्ट की हुई थी लीनियर अलजेब्रा, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, बेसिस एंड डायमेंशन। 2.2 तक हम कर चुके हैं, लंबा चैप्टर है, थोड़ा आगे का काम हम करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ध्यान से समझना इसको। अब हमारे पास बेसिस होता क्या है किसी वेक्टर स्पेस का, देखते हैं डेफिनेशन क्या है। लेट वी ओवर एफ बी अ वेक्टर स्पेस, अ सबसेट एस इज इक्वल टू वी वन वी टू वी एन of V is said to be a basis of V if first is V1, V2, Vn are linearly independent vectors, second is V1, V2, Vn spans V, that is V is equals to LS, that is every vector of V is a linear combination of vectors of S। तो सबसे पहले किसी भी सेट को आप इसका बेसिस कब बोलेंगे, पहले तो उस सेट को इसका सबसेट ही होना पड़ेगा, V का सबसेट होना पड़ेगा। कोई भी ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट V का है जो, उसी सेट को आप बेसिस बोलोगे कब, जब वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। पहली कंडीशन क्या है कि जो उस सेट के अंदर वेक्टर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, सारे Li होने चाहिए। Li की डेफिनेशन अगर माइंड में ना हो इस टाइम तो बता देती हूँ कि वेक्टर्स Li कब होते हैं, जितने वेक्टर्स होते हैं उतने ही स्केलर्स अगर एग्जिस्ट कर जाएं, और कैसे एग्जिस्ट करें कि लीनियर कॉम्बिनेशन स्केलर्स का वेक्टर्स के साथ जीरो के इक्वल जाते ही वो सारे के सारे स्केलर्स अगर जीरो हो जाते हैं तो वेक्टर्स हमारे क्या बन जाते हैं, Li बन जाते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कि ये सारे वेक्टर्स पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन कर दें, मतलब V हमारा किसके इक्वल हो जाए, LS के इक्वल हो जाए, कि अगर आप कोई भी वेक्टर इससे उठा के देखो वेक्टर स्पेस से तो वो इन सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके। एक बार रिपीट कर देती हूँ डेफिनेशन, कोई भी वेक्टर स्पेस है V हमारे पास, उस वेक्टर स्पेस का सबसे पहले हमने नॉन एम्प्टी सबसेट लिया S, उस नॉन एम्प्टी सबसेट को हम बोलेंगे कि वो बनेगा इस वेक्टर स्पेस का बेसिस अगर वो सबसे पहली कंडीशन कि वो Li सेट हो, दूसरी कंडीशन वो पूरे वेक्टर स्पेस को स्पैन कर दे, तो वो बन जाएगा बेसिस किसके लिए, वेक्टर स्पेस के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कुछ स्टैंडर्ड बेसिस हैं, पहले भी आपको एक बार बताया था जहाँ जब ये E1 E2 की बात आ रही थी। जैसे R2 की अगर आप बात करो, जितने भी RN टाइप वाले वेक्टर स्पेस है ना, इनके ऊपर जो लगा हुआ है उतनी उतने ही वेक्टर होते हैं उसके बेसिस में। R2 है ना, तो इसका मतलब 2 वेक्टर्स होंगे उसके बेसिस में, और 2 टपल वाले वेक्टर होंगे। E1 हम क्या ले लेते हैं, 1,0, E2 क्या लेते हैं, 0,1। ये पूरा सेट मेरा क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाता है इसके लिए, क्योंकि ये सेट मेरा Li भी है। आप चेक करके देखोगे स्केलर्स की वैल्यू जीरो आएगी, और ये पूरा सेट, ये हमने पीछे भी पढ़ा था, इस पूरे R2 को स्पैन भी कर देता है। और इस वाले सेट को हम क्या बोल देते हैं, ये क्या है, नेचुरल बेसिस R2 के लिए, या फिर स्टैंडर्ड बेसिस बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही R3 के लिए क्या बनेगा, E1 E2 E3, E1 की वैल्यू क्या होगी, 1,0,0, E2 की क्या होगी, 0,1,0, और E3 की क्या होगी, 0,0,1, वो भी क्या होगा, स्टैंडर्ड बेसिस। ऐसे ही RN के लिए जनरल आप बात करो तो E1 E2 EN का सेट क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा, स्टैंडर्ड या नेचुरल बेसिस, ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कुछ रिमार्क्स, कि अब हमने पढ़ा हुआ रिजल्ट कि सिंगलटन जीरो वाला जो सेट होता है वो हमेशा LD होता है, और हमें पता है कि बेसिस कभी भी LD नहीं होता, बेसिस हमेशा LI होता है। इसका मतलब ये नल स्पेस कभी भी, ये वाला जो सेट है नल स्पेस में हमारे पास क्या होता है, सिंगलटन जीरो वेक्टर होता है। इस स्पेस के लिए ये वाला वेक्टर का सेट कभी भी बेसिस नहीं बनता, क्योंकि ये LD है। इसके लिए हमारे पास बेसिस क्या बनेगा, एम्प्टी सेट हम बोल देते हैं। एम्प्टी सेट जो है वो नल स्पेस को स्पैन भी कर देता है, और एम्प्टी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है हमेशा। तो नल स्पेस के लिए अगर कोई पूछे कि बेसिस क्या होता है, एम्प्टी सेट, ठीक है। द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन अ बेसिस इज यूनिक, बट द बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज नॉट यूनिक। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलिए कि कोई भी अगर आप वेक्टर स्पेस ले रहे हो, मान लो R2 की बात करो, अब इसके बेसिस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एक मान लो E1 लिया, एक E2 लिया, दो एलिमेंट हो गए ना इसके बेसिस के अंदर, एक E1 एक E2, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 का होना, ये 2 तो यूनिक है कि आप आगे जितने मर्जी बेसिस लेते जाओ, हर एक बेसिस में 2 ही एलिमेंट रहेंगे, ना 1 रहेगा ना 3 या 4 रहेंगे, एग्जैक्टली 2 ही एलिमेंट मिलेंगे आपको बेसिस में। और इस वेक्टर स्पेस के 1 से ज़्यादा बेसिस हो सकते हैं। मान लो आप बेसिस ये भी ले सकते हो, 2,0,0,2, इसको आप चेक करोगे ये भी बेसिस बन जाएगा इस वेक्टर स्पेस के लिए। एक और ले सकते हो, 0,1,3,0,
0.3, ये भी क्या बेसिस बन जाएगा इसके लिए। 4.0, 0.4, ये भी क्या बनेगा, बेसिस बनेगा। ऐसे इन्फानाइट आप ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, किसी भी वेक्टर स्पेस के बेसिस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि बेसिस के अंदर एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे। इसमें कितने एलिमेंट है इस सेट में, दो हैं। इसमें कितने हैं, दो हैं, दो हैं, दो हैं। वो वैरी नहीं करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बेसिस जितने मर्जी हो जाएंगे लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेंगे हर एक बेसिस में, ठीक है। ए बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज अ एलआई सेट, बट एलआई सेट ऑफ वेक्टर्स नीड नॉट बी अ बेसिस ऑफ वी। बेसिस हमेशा एलआई होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एलआई सेट बेसिस बन जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एलआई सेट स्पैन ना करें। आपको एक छोटा सा एग्जांपल फिर दे देती हूँ। अब मैं बात करूँ 2.0, मैंने अकेला सेट ले लिया। अब ये सेट कैसा है, नॉन जीरो, मतलब ये एलिमेंट कैसा है, ये वेक्टर नॉन जीरो है। और सिंगलटन सेट में नॉन जीरो वेक्टर कैसा होता है, एलआई होता है, मतलब ये सेट एलआई तो हो गया। लेकिन क्या ये बेसिस बन रहा है आर टू के लिए, नहीं बन रहा, क्योंकि आप अगर एलिमेंट लाना चाहो 0.5 कहाँ से लेके आओगे, इसकी हेल्प से नहीं लेके आ सकते। इसका मतलब ये सेट जो है ये स्पैन ही नहीं कर पा रहा इसको। तो हमारे पास आ गया ना रिजल्ट कि बेसिस हमेशा एलआई होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एलआई सेट आप उठा लो वो बेसिस बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है ऑर्डर्ड बेसिस। अ बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज सेट टू बी एन ऑर्डर्ड बेसिस इफ वेक्टर इट्स वेक्टर्स आर रिटन इन अ सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर उस बेसिस के वेक्टर्स को कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्स में लिखा गया हो तो वो कैसा बन जाएगा, ऑर्डर्ड बेसिस। अब है ये डेफिनेशन सारी इंपॉर्टेंट है, 2-2 मार्क्स में आ सकते हैं आपके कंपल्सरी में। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वेक्टर रिलेटिव टू द बेसिस। अब मान लो हमने क्या ले लिया, v1 v2 vn क्या है, ऑर्डर्ड बेसिस ले लिया वेक्टर स्पेस v ओवर f का। देन अ वेक्टर v बिलोंग्स टू कैपिटल v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज v इज इक्वल्स टू a1 v1 प्लस a2 v2 अप टू an vn। अब हमने ये बेसिस ले लिया, अगर मैं कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट वी से उठाते हैं तो कैसा लिखा जाएगा, बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा, डेफिनेशन कहती है हमें। तो वी को आप ऐसे लिख सकते हो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर क्या बनेगा रिलेटिव टू बेसिस, इसमें जो जो स्केलर यूज हुए हैं ना उनका एक वेक्टर बना लो। वी को हमने लिखा बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, और उस लीनियर कॉम्बिनेशन में जो जो स्केलर्स यूज हुए उन स्केलर का जो वेक्टर बनेगा वो होगा कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर, ये a1 a2 an, ये क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ v, ठीक है। ये बन गया हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ v, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक दो थ्योरम कर लेते हैं। क्या थ्योरम है हमारे पास, लेट s इज इक्वल टू v1 v2 vn इज अ बेसिस ऑफ v ओवर f, देन एवरी एलिमेंट ऑफ v कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn एंड कन्वर्सली। अगर हमें किसी भी वेक्टर स्पेस का कोई बेसिस दिया हुआ है तो हमारे पास रिजल्ट क्या है कि v का हर एक एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, और वो कैसी एक्सप्रेशन है, यूनिक एक्सप्रेशन है वो, ठीक है। और अगर कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट v का किसी भी सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में यूनिकली लिखा जा सकता है, तो इट मीन्स वो कैसा सेट है, बेसिस है उसके लिए। एक बार दोबारा सुन लो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर कोई सेट बेसिस है तो वेक्टर स्पेस का हर एक एलिमेंट इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यूनिकली लिखा जाएगा। और अगर कोई भी रेंडमली सेट आपने उठा लिया किसी सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, किसी वेक्टर स्पेस का हर एक एलिमेंट यूनिकली लिखा जा रहा है, तो इट मीन्स वो वाला जो सेट आपने उठाया, रेंडमली जो उठाया था, वो क्या है, वो बेसिस है, ठीक है। देखो प्रूफ क्या है इसका, सबसे पहले हमने क्या मान लिया, जो इन्होंने गिवन सेट है हमारे पास ये कैसा है, बेसिस है। अब बेसिस है तो मुझे प्रूव क्या करना है कि वी का हर एक एलिमेंट यूनिकली एक्सप्रेस हो सकता है इस लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो हमने क्या मान लिया, हमने पहले तो मान लिया कि वी ऐसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, हमने मान लिया कि अगर पॉसिबल है तो ये एक्सप्रेशन यूनिक नहीं है, हम मान रहे हैं कि वी को हम इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में किसी और तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब कोई और स्केलर्स भी एग्जिस्ट करवा सकते हैं। तो मतलब हमने मान लिया कि वी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस अप टू bn vn, bi हमारे f से आ रहे हैं, यहाँ पे ai f से आ रहे हैं। अब देखो इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। v से v0 बन जाएगा, v1 कॉमन लेके a1 माइनस b1, इधर से v2 कॉमन लिया तो a2 माइनस b2, अप टू bn कॉमन लिया तो an माइनस bn। अब देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, v1 v2 अप टू v, ये सारे क्या थे इसके साथ में, स्केलर्स थे ना।
वी वन वी टू वी एन का लीनियर कॉम्बिनेशन इन स्केलर्स के साथ जीरो के इक्वल आ रहा है, और वी वन वी टू वी एन है क्या, बेसिस के एलिमेंट हैं, बेसिस के एलिमेंट हैं तो क्या हो गए, एल आई होंगे, एल आई होंगे तो क्या होगा, जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन इन एलिमेंट्स का स्केलर्स के साथ जीरो के इक्वल जाएगा तो वो जो भी स्केलर्स उसमें यूज हैं वो सारे स्केलर जीरो के इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये एक स्केलर ए वन माइनस वी वन बी जीरो के इक्वल चला जाएगा, और ये एक स्केलर ए टू माइनस बी टू जीरो के इक्वल चला जाएगा, और ये ए एन माइनस बी एन जीरो के इक्वल चला जाएगा। जैसे ये जीरो के इक्वल गए, ए वन किसके इक्वल आ गया, बी वन के इक्वल, ए टू बी टू के इक्वल आ गया, ए एन बी एन के इक्वल आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये स्केलर की वजह से तो हमने इनके एक्सप्रेशन को डिफरेंट बोला था, तो ये स्केलर तो आपस में इक्वल आ गए। तो यहाँ से प्रूव क्या हो गया कि जो वी का एक्सप्रेशन हमने अलग माना था वो अलग नहीं है, वी को आप सिर्फ एक ही तरीके से या यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। प्रूव हो गया, एक तरफ से बेसिस माना और यूनिक एक्सप्रेशन हमने प्रूव कर दिया। अब कन्वर्स में हम क्या मान के चलते हैं, हमने मान लिया कि वी का हर एक एलिमेंट इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में यूनिकली एक्सप्रेस हो सकता है। प्रूव क्या करना है कि ये वाले जो वेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, बेसिस बन रहे हैं वी के लिए। अब देखो वी का हर एक एलिमेंट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो स्पैनिंग वाली प्रॉब्लम तो होगी पूरी, एल एस मेरा वी के इक्वल तो आ गया, एक कंडीशन होगी ना, बेसिस की डेफिनेशन क्या थी, एक तो एल एस वी के इक्वल जाए, दूसरा जो एस है वो एल आई बन जाए। एल एस वी के इक्वल आ गया, एक कंडीशन होगी पूरी। अब प्रूव करना क्या रह गया, सिर्फ प्रूव करना रह गया, एल आई प्रूव करना रह गया इस सेट को, ठीक है। अब हमने क्या लिया, जीरो वेक्टर लिया कैपिटल वी से। अब जीरो वेक्टर वी से लिया तो वी का हर एक एलिमेंट बोला है कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो ये जीरो वेक्टर भी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। जीरो का लिख दिया इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, ऑल्सो हम लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, और इसको लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल्स टू जीरो वी वन प्लस जीरो वी टू प्लस अप टू जीरो वी एन। अब यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि हमने तो अभी ऊपर लिखा था कि वी के हर एक एलिमेंट का जो एक्सप्रेशन है वो यूनिक है इसकी फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया कि जो ये एक्सप्रेशन है ये जीरो वेक्टर को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि अब जैसे ही यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कॉन्ट्राडिक्शन आई, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन यूनिक होना चाहिए। यूनिक कब होगा, जब ये ए वन जीरो के इक्वल होगा, ए टू जीरो के इक्वल, अप टू ए एन जीरो के इक्वल होगा। जैसे ये सारे स्केलर जीरो हुए, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में यूज हुए थे, इन्होंने क्या बना दिया, वी वन वी टू वी एन को एल आई बना दिया, हो गया हमारा प्रूव, ठीक है। एक बार कन्वर्स वाला दोबारा देख लो, हमने एज्यूम किया हुआ है कि वी का हर एक एलिमेंट इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में यूनिकली एक्सप्रेस हो सकता है। अब एक्सप्रेस यूनिकली हो रहा है तो एल एस इज इक्वल टू वी वाली कंडीशन यहीं से पूरी होगी, स्पैन तो कर दिया इसने इसको। अब हमने जीरो वेक्टर लिया वी से, अब जीरो वेक्टर वी से बिलोंग करता है तो ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, एक्सप्रेस कर दिया। जीरो को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हमने तो यहाँ पे दो वे में एक्सप्रेस कर दिया, हम बोल रहे हैं कि यूनिकली एक्सप्रेस होता है, तो ये यूनिक एक्सप्रेशन कब बन पाएगा, जब ए वन जीरो के इक्वल हो, ए टू जीरो के इक्वल हो और ए एन जीरो के इक्वल हो। जैसे ये सारे स्केलर जीरो के इक्वल हुए, इन्होंने क्या किया, इस सेट को एल आई बना दिया। जैसे ही सेट एल आई बना, एल आई और ये स्पैनिंग सेट, तो ये पूरा सेट क्या बन जाएगा, बेसिस। यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये नेमिंग थ्योरम है, सीधा नाम से आएगी एग्जिस्टेंस थ्योरम। आपको स्टेटमेंट भी इसकी याद रखनी पड़ेगी और प्रूफ भी याद रखना पड़ेगा। क्या स्टेटमेंट है, एग्जिस्टेंस, नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करवाई जा रही है। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करवाया जा रहा है, अभी तक बेसिस की बात हो रही है तो यहाँ पे हम बेसिस को एग्जिस्ट करवा रहे हैं। दोनों फॉर्म में देख लो स्टेटमेंट इसकी, देयर एग्जिस्ट अ बेसिस फॉर ईच फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। अगर कोई भी वेक्टर स्पेस फाइनाइटली जनरेटेड है, मतलब फाइनाइट सेट से वो जनरेट हो रहा है, तो उस वेक्टर स्पेस के पास एक बेसिस जरूर मिलेगा। या फिर दूसरी फॉर्म क्या है, इफ एस इज इक्वल टू वी वन वी टू वी एन स्पैन्स अ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, देन देयर एग्जिस्ट अ सबसेट ऑफ एस विच इज अ बेसिस ऑफ वी। अब कोई भी सबसेट ले लिया जो स्पैन कर रहा है वी को, तो ये कहना चाह रहे हैं कि इसी एस का कोई ना कोई सबसेट हमें जरूर मिलेगा जो वी के लिए बेसिस ही बन जाएगा, ठीक है। प्रूफ देखते हैं। अब एस हमें क्या दिया हुआ है, वी वन वी टू वी एन का सेट दिया हुआ है, और क्या बोला हुआ है, ये कैसा है, स्पैन करता है किसको, वी को। अब हमारे पास बेसिस की डेफिनेशन क्या थी, एक तो स्पैन करना चाहिए और एक एल आई होना चाहिए। अब ये सेट मेरा स्पैन कर रहा है वी को, अगर मैं इसी सेट को एल आई मान लूँ, अगर यही सेट मेरा एल आई हो जाता है, तो बेसिस की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब यही सेट मेरे लिए क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा वी के लिए, और एस खुद का सबसेट होता ही है, तो इसका मतलब एस का सबसेट हमें मिल गया जो कैसा है, बेसिस एस के लिए। ये कब हुआ, जब हमने एस को ही एल आई मान लिया। अब क्या मानना कि एस मान लो अगर एल आई नहीं है, इसका मतलब एल आई नहीं है तो क्या होगा, एल डी होगा। अब हमने एक रिजल्ट, एक थ्योरम पढ़ी थी, यहाँ पे दिखा देती हूँ एक बार।
जो मैंने आपके लिए ही छोड़ी थी कि आप एक बार इसको खुद ट्राई करके देखना। एक सेकंड बस, ये थी इस पे पेज नंबर 2.5 पे क्या थी थ्योरम। द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स वी वन वी टू वी एन ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ इज एल डी इफ एंड ओनली वन ऑफ द वेक्टर वी आर फ्रॉम टू टू एन इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिसीडिंग वेक्टर। कि ये सेट सारे वेक्टर्स का सेट जो है एल डी तभी होगा इफ एंड ओनली इनमें से कोई एक वेक्टर अपने प्रिसीडिंग मतलब पहले वाले वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाए। अभी हमने क्या माना है कि वी वन वी टू वी एन को एल डी माना है, एल डी माना है, तो उस थ्योरम के रिजल्ट से जब आप उस थ्योरम का रिजल्ट यूज करोगे तो उस थ्योरम की स्टेटमेंट को कोट करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देना। तो हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई वेक्टर वी आर एग्जिस्ट करेगा जो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वी वन वी टू चाहे आप प्रिसीडिंग ले लो या बाकी सारे वेक्टर्स भी ले सकते हो। तो वी वन वी टू वी आर माइनस वन कॉमा वी आर प्लस वन से लेके वी एन तक का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वी आर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, और हम क्या कह रहे हैं कि वी वन वी टू एन वी एन स्पैन कर रहा है वी को, तो वी का आर्बिट्री एलिमेंट उठाएं तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा जरूर, क्योंकि स्पैन कर रहा है। तो हमने क्या किया, वी को लिख दिया इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। और अभी हमने ऊपर क्या क्या है कि वी आर क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है बाकी बचे हुए वैक्टर्स का। तो वी आर को मैं लिख सकती हूँ नए वैक्टर्स की फॉर्म में, वी वन वी वन, वी टू वी टू, वी आर माइनस वन। यहाँ पे बस ध्यान रखना, गलती से वी आर मत बीच में डाल देना, क्योंकि वी आर ऑलरेडी इधर आ चुका है। यहाँ पे वी आर माइनस वन है तो वी आर प्लस वन हो आगे। ठीक है, अब यहाँ पे वी आर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, पुट कर दो। अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट वी का किसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आ गया, वी वन वी टू जो कॉमन आता है तो कॉमन ले लिया, वी वन वी टू, वी आर माइनस वन, वी आर प्लस वन, वी एन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या दिख रहा है कि किसने स्पैन कर दिया उसको, इन n माइनस वन वेक्टर्स ने स्पैन कर दिया कैपिटल V को। अगर यही n माइनस वन वेक्टर, फिर से प्रोसेस वही लेके चलेंगे, और यही n माइनस वन वेक्टर Li बन जाते हैं, तो ये सेट क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। स्पैन यहाँ पे करवा दिया, बेसिस बन जाएगा अगर ये Li हो जाता है। इसका मतलब S का एक सबसेट आ गया जो क्या बन जाएगा, बेसिस बन रहा है V के लिए। सिमिलर फिर आगे प्रोसेस लेके चलेंगे, अगर ये Li नहीं है तो इसका मतलब ये LD है, फिर इनमें से कोई वेक्टर बाकी सबका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। फिर सारा वही प्रोसेस कर करके इन द एंड हमारे पास क्या होगा कि एंड में एक सेट आपके पास जरूर बचेगा। सिंगलटन सेट पे भी तो कभी ना कभी पहुंचोगे ना, तो सिंगलटन सेट नॉन जीरो वेक्टर का जो भी होगा वो Li बनेगा, फिर से वो स्पैन कर रहा होगा, Li होगा, तो वो क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि कोई भी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, मतलब कोई भी वेक्टर स्पेस अगर फाइनाइट सेट से जनरेट हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास एक बेसिस ज़रूर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, काफ़ी हो गया आज के लिए भारी काम, तो आज इतना ही कर लेंगे, बाकी आगे काफ़ी थ्योरम्स हैं, धीरे धीरे हम कर लेंगे। चैप्टर थोड़ा लंबा है, पेशेंस के साथ अपना समझते रहना। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी किसी का कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।